लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सिखा था, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब आज इस लेक्चर में हमको बहुत ही छोटे छोटे दो टॉपिक्स को लर्न करना है। सबसे पहले हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करें, उसके पहले एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था। ओके, फटाफट से आपको मेरे साथ साथ बोलना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, सबसे पहला क्या था? प्राइस। सबसे पहला क्या था? प्राइस। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड डाउन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। प्राइस अगर नीचे जाएगा तो डिमांड क्या होगा? एक्सपांड होगा। फर्स्ट प्राइस इज डन। अदर फैक्टर्स इन प्राइस, सेकंड क्या था? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, जिसमें हम लोगों ने क्या एग्जांपल लिया था? बूट कट पैंट एंड डेनिम वाला। फटाफट से टेस्ट अगर कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो होगा तो उस गुड्स का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। अगर प्रेफरेंस चाहिए तो डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फर्स्ट प्राइस। सेकेंड क्या? इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर। थर्ड क्या था? इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम अगर ज्यादा है तो डिमांड भी चीजों की क्या हो जाएगी? ज्यादा। अगर इनकम कम तो डिमांड भी क्या हो जाएगा? कम। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। उसमें एक्सेप्शन क्या था? इंफीरियर गुड्स। एक्सेप्शन क्या था? इंफीरियर गुड्स। फटाफट से प्राइस, उसके बाद क्या था? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। फोर्थ क्या था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था? दो पार्ट से उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या था? चाय कॉफी वाला एग्जाम्पल। क्या था? चाय कॉफी वाला एग्जाम्पल। दूसरा क्या देखा था कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोगों ने? वो व्हीकल वाला एग्जाम्पल, व्हीकल एंड एक्टिवा और पेट्रोल। स्पेक्स में फ्री मेन क्लासेस, राइट? याद आ रहा है कुछ? ओके, अगेन फटाफट से प्राइस, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द पॉपुलेशन। अगर साइज और प्रोफाइल जो है वो सुटेबल होगा तो वो गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, अगर नहीं सुटेबल है तो डिमांड कम हो जाएगा। और एक और था, फटाफट से याद करो, क्या था? डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द पॉपुलेशन हो गया। उसके बाद क्या था? एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फटाफट से एक बार मैं सारे आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, देन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, देन डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन और एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन, वो बहुत सिंपल है। और ये जो रिवाइज करवाया उसका मोटिव यही था कि वो जो डिमांड फंक्शन है वो सीधा ही डायरेक्टली जो हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ डिमांड पढ़े थे उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? डिमांड फंक्शन। पहले एक बार रीड करते हैं। द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फंक्शनल नोटेशन, जिसका मतलब वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जो लास्ट टाइम देखा था कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, जितने भी बेसिकली फैक्टर्स और उसका क्या इफेक्ट होता है डिमांड के ऊपर, उसको हम लोग एक फंक्शनल नोटेशन में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिमांड फंक्शन स्पेसिफाइज अ फंक्शनल और मैथमेटिकल, सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमको उसको शो करना है। रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड। डिटरमिनेंट्स मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। इट रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर अ गुड इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक प्राइस ऑफ द गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, prices of the related goods etc. and market demand also depends upon size of the population and demand function can be shown as a simple meaning में लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने last time जितने भी factors देखे थे तो अब उसको हम mathematical formation में कैसे लिख सकते हैं हमको वो यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी textbook में आपको equation जैसा दिया है, एक function जैसा दिया है, जहाँ पर उन्होंने बोला है demand of a x commodity is equal to, ये पूरा फंक्शन का साइन है और ये जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे वो इफेक्ट करता है, दैट इज प्राइस ऑफ दैट एक्स कमोडिटी, देन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। ये वाई कमोडिटी क्या होता है? रिलेटेड गुड्स की हम लोगों ने बात की थी ना, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, उसकी यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस, जिसको हम लोग ई से हम लोग इसको नोटिफाई करेंगे। ई स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस।
हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा, दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। अब आपको फटाफट से मैं बारी बारी समझाती हूँ कि एक एक चीज का मतलब क्या है। डी ऑफ एक्स इसका मतलब क्या होता है, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। फिर हम लोग देखते हैं एफ क्या होता है, फंक्शनल नोटेशन, बेसिकली उसका हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेट बोल सकते हैं, फंक्शनल नोटेशन। फिर क्या आ गया, पी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। फिर क्या है, पी ऑफ वाई, इसका मतलब होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाई। यहां पे क्या हो गया, वाई मतलब रिलेटेड गुड्स का प्राइस की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद पी ऑफ वी, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस, ऑफ द फ्यूचर प्राइस। उसके बाद टी स्टैंड्स फॉर व्हाट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। उसके बाद वाई, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एंड यू स्टैंड्स फॉर अदर फैक्टर्स, इसमें उसका डेमोग्राफिक साइज ऑफ द पॉपुलेशन आ गया, प्रोफाइल ऑफ द पॉपुलेशन आ गया, राइट। जितने भी अदर फैक्टर्स उसके अलावा भी, वो सारे हम लोग अदर फैक्टर्स में कंसिडर करेंगे। अगेन डिमांड फंक्शन इज वेरी सिंपल, जिसका मतलब क्या होता है कि जो डिमांड है एक्स प्रोडक्ट का, वो इतने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसका फंक्शनल नोटेशन है। ये आपको एक मार्क वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, डिमांड फंक्शन लिखो, ठीक है। फटाफट से इतना एक बार क्विकली देख लो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू कवर इन टुडेज लेक्चर इज व्हाट, अ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल द टाइम्स, एंड दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, राइट। लॉ ऑफ डिमांड पहले एक बार रीड करते हैं, लॉ क्या बोल रहा है। द प्रिंसिपल एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ गुड, कीपिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड डिमांड, स्टेटिंग दैट when other factors influencing demand remain unchanged, if price of good falls, its demand expands, and if price of a good rises, its demand contracts. Simply, यहाँ पे law of demand ये बोल रहा है कि हम लोगों ने जितने भी factors affecting demand देखे, उसमें से price को छोड़ के जितने भी factors हैं, वो सारे हम लोग ऐसा assume करें कि वो सारे factors अनचेंज्ड है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, दैट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट वी टेक इनटू कंसीडरेशन। तब वो लोग ऐसा बोल रहे कि जब व्हेन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी फॉल्स, देन इट डिमांड इंक्रीज और एक्सपांड, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी गोज अप, देन द डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये उसका एक सिंपल लॉ है, लॉ हमको ये बोल रहा है। अब वो लॉ क्यों बोल रहा है, कैसे उसको प्रूव करना है, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा।